देवताओं का शक्ति एक सफल हो चुका है और उन्हें फिर से शक्ति प्राप्त हो चुकी है। वो असुरों को मार मार कर उनसे प्रतिशोध ले रहे हैं। देवराज इंद्र शक्ति प्राप्त करके इसी ओर बढ़ा रहा है महाराज। सावधान दैत्य वीरों, सावधान। अब हम तुम्हें सावधान होने का अवसर नहीं देंगे बलि। हमारे शक्तिशाली वज्र प्रहार से अब तू बच नहीं पाएगा। दैत्य वीरों, नहीं पाएगा। चलो भागो भागो, हमारे जयत्रेश बलि मारेगा, जयत्रेश बलि मारेगा। वीर देवताओं, बलि का वध करके हमने स्वर्ग का साम्राज्य पुनः प्राप्त कर लिया है। देवराज इंद्र की जय। देवराज इंद्र की जय। देवराज इंद्र की जय। समाप्त कर दो दैत्यों को, एक भी दैत्य स्वर्ग से जीवित बचकर भागने न पाए। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। पधारिये ब्रह्मदेव, पधारिये विष्णुदेव, देवगुरु पधारिये। महादेव, आपके परामर्श द्वारा देवताओं ने धर्म यज्ञ से शक्ति प्राप्त करके स्वर्ग पर अधिकार कर लिया है। देवता और दैत्यों के संग्राम में दैत्य राज बलि मारे गए, परंतु परंतु क्या श्री हरि? परंतु दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने आपकी ही कृपा से प्राप्त मृत्यु संजीवनी विद्या द्वारा बलि को पुनः जीवित कर दिया है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य दैत्यों के शुभचिंतक हैं। उन्होंने वही किया जो उनके लिए उचित था। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने बलि को केवल जीवित ही नहीं किया, उन्होंने तो बलि द्वारा त्रैलोक के विजय के लिए नर्मदा तट पर 100 अश्वमेध यज्ञों का संकल्प भी करवाया है। और उनका 125 अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ हो चुका है महादेव। यदि यह 100वां यज्ञ पूर्ण हो गया तो बलि को स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल इन तीनों लोक पर अधिकार करने से कोई नहीं रोक सकता। शिवशंकर, इस आने वाली विपत्ति के निवारण के लिए असहाय देवता आपकी शरण में आए हैं, इनकी सहायता कीजिए महादेव। भगवान विष्णु, विपत्ति आने पर आपने सदा ही देवताओं की सहायता की है, इस बार आपने इन्हें कोई उपाय नहीं सुझाया। नारायण नारायण। प्रभु, सभी उपायों के जन्मदाता तो आप हैं, आप जन्म मरण का विधान भी बदल सकते हैं। परमपिता ब्रह्मदेव, भगवान विष्णु आपकी आज्ञा के अधीन हैं।
नारद ठीक कह रहे हैं शंभु, संकट के समय जब कोई उपाय सुझाई नहीं देता तो हम आप ही की शरण में आते हैं। यदि बलि का सवा अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हो गया तो हमारा क्या होगा भोलेनाथ? प्रभु, देवताओं की दशा क्या होगी यह आप भली भांति जानते हैं। दैत्य हमारे जन्मजात शत्रु हैं प्रभु, यदि दैत्यों का तीनों लोक पर अधिकार हो गया तो हम देवताओं का क्या होगा? महादेव, यज्ञ पूर्ण होते ही दैत्य गुरु शुक्राचार्य सर्वप्रथम बलि को पुनः स्वर्ग पर अधिकार पाने के लिए उत्तेजित करेंगे। अब आप ही बताइए महादेव, आश्रयहीन देवता कैसे जिएंगे, कहां जाएंगे वो? परिस्थिति की गंभीरता पर विचार कीजिए नाथ, आप ही बताइए इस संकट की घड़ी में हम क्या करें। परिस्थिति की गंभीरता को हम भली भांति समझते हैं देवराज। इस संकट से उबारने के लिए देवताओं के रक्षक भगवान विष्णु को ऐसा उपाय सोचे जिससे देवता, दानव, मानव सभी का कल्याण हो। देवाधिदेव, मेरा प्रत्येक कार्य आप ही की प्रेरणा से होता है। आपकी आज्ञा अनुसार सौंपा गया यह उत्तरदायित्व मैं अवश्य निभाने का प्रयत्न करूंगा। जय शिव शंकर। देवता निश्चिंत रहें, उनके संकट का निवारण हो गया। नारायण नारायण। ओम काल काल कृपा निधि सर्वेश्वराय नमः स्वाहा। काल काल कृपा निधि सर्वेश्वराय नमः स्वाहा। पिनाकी शशि शेखराय नमः स्वाहा। शंकर शूल पाणियाय नमः स्वाहा। वामदेवो निरूपाक्षाय स्वाहा। ओम तत्पुरुषाय नमः स्वाहा। ओम ईशानाय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते रुद्राय स्वाहा। ओम सद्योजाताय नमः स्वाहा। ओम वामदेवाय नमः स्वाहा। ओम अघोराय नमः स्वाहा। ओम तत्पुरुषाय नमः स्वाहा। राजन, आपके द्वारा संकल्प की हुई सारी आहुतियां संपन्न हुई। सौभाग्यवती भव, यशस्वी भव। इंद्र प्रणाम माते।
माटे। ऐसी कौन सी घटना हुई जो तुम्हें स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी लोक पर आना पड़ा पुत्र? माता, दैत्य राज बलि तथा दैत्य गुरु शुक्राचार्य द्वारा संपादित उनका अश्वमेध यज्ञ पूर्ण होने जा रहा है। दैत्य सैनिक स्वर्ग के आसपास मंडराने लगे हैं। बड़ा ही अशुभ समाचार दिया तुमने पुत्र। हां माता, लगता है देवताओं को फिर स्वर्ग से वंचित होना पड़ेगा। हम निराश्रित होकर कहां जाएंगे? तुम नारी शक्ति को नहीं जानते पुत्र। मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगी, कदापि नहीं। इसी आशा से आपके पावन चरणों में आया हूं माते। मैं तुम्हारे पिता कश्यप ऋषि से प्रार्थना करूंगी, वे स्वर्ग की रक्षा का कोई ना कोई उपाय अवश्य बताएंगे। पिताश्री देवता और दैत्य दोनों के जन्मदाता हैं, वे आपकी बातों पर ध्यान देंगे माते? अवश्य देंगे, मैं उन्हें मनाऊंगी। आओ मेरे साथ। आंखें खोलिए स्वामी, अदिति आपके चरणों में उपस्थित है। पिताश्री, 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 पुत्रेंद्र, तुम यहां? हमारे पास आने का कारण? पिताश्री, हमारे दैत्य बंधुओं ने शत्रुता की अग्नि को पुनः दावानल की तरह फैलाने का कार्य आरंभ कर दिया है। आप तो जानते ही हैं, दैत्यराज बलि अपना अश्वमेध यज्ञ पूर्ण कर रहे हैं। स्वामी, सौवा यज्ञ पूर्ण होते ही दैत्य शक्ति प्राप्त करके सर्वदा के लिए स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त कर लेंगे। मेरे देवता पुत्र निराश्रित हो जाएंगे। ऐसा कदापि न होगा पुत्र। पुत्र तुम निश्चिंत रहो। आती हुई विपत्ति देखकर कोई कैसे निश्चिंत रह सकता है स्वामी? पिताश्री, सौ अश्वमेध यज्ञ पूर्ण होते ही बलि स्वर्ग के सिंहासन पर बैठ जाएंगे, फिर उन्हें कोई भी शक्ति नहीं हटा सकती। दैत्य गुरु शुक्राचार्य इसी उद्देश्य से अश्वमेध यज्ञ पूर्ण कर रहे हैं। बड़ी विचित्र परिस्थिति है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य दैत्यों के माध्यम से और देव गुरु बृहस्पति देवताओं के माध्यम से एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं, और मेरी दोनों पत्नियां दीति और अदिति अपने अपने पुत्रों के माध्यम से एक दूसरे को नीचा दिखा रही हैं, और मैं दोनों का पिता हूं। दैत्य और देवता दोनों ही मेरे पुत्र हैं। समझ में नहीं आता कि मैं किसका पक्ष लूं। आप न्याय का पक्ष लीजिए स्वामी। अदिति, मेरे लिए जानना भी कठिन है कि कौन न्याय पर है और कौन अन्याय पर। इस समस्या का समाधान करने के लिए हमें परमपिता ब्रह्मा की शरण में जाना होगा। पिताश्री, आपके परम पूज्य पिता ब्रह्मदेव एवं भगवान विष्णु हम देवताओं के साथ कैलाशपति शिव की शरण में गए थे। भगवान शिव ने भगवान विष्णु से हमारी सहायता का अनुरोध भी किया था, परंतु भगवान विष्णु ने अभी तक कुछ नहीं किया। भगवान विष्णु कब करेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, उनका रहस्य कोई नहीं जान सकता पुत्र।
कोई नहीं। किंतु मैं तो हताश हो चुका हूं पिताश्री। भय के कारण ही तुम हताश हो रहे हो पुत्र इंद्र। इसीलिए तो आपकी शरण में आया है स्वामी, देवताओं की रक्षा के लिए कुछ कीजिए स्वामी। मुझे तो कोई उपाय नहीं सुझाई दे रहा है देवी, परंतु मुझे विश्वास है जगत के रचयिता परमपिता अवश्य कोई ऐसा मार्ग सुझाएंगे जिससे देवता और दैत्य दोनों का अहित न हो और दोनों ही शांतिपूर्वक रहें। स्वामी, दैत्य भी हमारे ही पुत्र हैं, वे भले ही तीनों लोक के स्वामी बन जाएं, परंतु मेरे पुत्र देवताओं को स्वर्ग में सुख शांति से रहने दें। भला कौन ऐसा आश्वासन दे सकता है? क्या दीति और तुम ऐसा आश्वासन दे सकती हो? क्या तुम अपने अपने पुत्रों को अपने वश में रख सकती हो? नहीं, वे तरुण है, समर्थ है, अपनी मनमानी करते रहेंगे। बताइए नाथ, भला मेरे पुत्रों के प्राणों की रक्षा कैसे होगी? चिंता न करो देवी, हम परमपिता ब्रह्मदेव की शरण में चलते हैं, वे कोई न कोई मार्ग हमें अवश्य बताएंगे। चलिए स्वामी, चलिए। अपने पुत्रों को संकट से उबारने के लिए मैं उनके चरणों में प्रार्थना करूंगी। आओ चलो। त्राहिमाम परमपिता, त्राहिमाम। वत्स कश्यप, देवी अदिति, देवराज इंद्र, आप तीनों के यहां एक साथ आने का कारण? मेरे पुत्र इंद्र की रक्षा कीजिए, हम सब आपकी शरण में आए हैं। परमपिता, आप ही इंद्र और उनकी माता अदिति को चिंता मुक्त कर सकते हैं, इसीलिए मैं इन्हें आपके चरणों में लाया हूं। हमें ज्ञात देवराज बलि के अश्वमेध यज्ञों से भयभीत होकर यहां आए। हाँ, हम सब यज्ञ के परिणाम से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं परमपिता। परमपिता, आप तो सब कुछ प्रत्यक्ष देख रहे हैं। कैलाश पर भोलेनाथ ने आपको आश्वासन दिया था, ऐसा लगता है देवराज कि भोलेनाथ के दिए आश्वासन से आप संतुष्ट नहीं हुए। कैसे संतोष रखूं परमपिता? अश्वमेध यज्ञों के प्रभाव से स्वर्ग पर दैत्यों की काली छाया अभी से मंडराने लगी है और उधर भगवान विष्णु मौन है। भगवान विष्णु तुम्हारी भांति उद्विग्न होकर कोई कार्य नहीं करते इंद्रदेव। वे देवताओं के प्रिय हैं तो दैत्यों को अपना शत्रु नहीं समझते। अधर्म, अकर्म, सृष्टि के प्रतिकूल प्रत्येक कार्य उनके शत्रु हैं। वे समय पर ही उचित कार्य करते हैं। परमपिता, मेरे पुत्र का धैर्य टूट रहा है। धैर्य टूटने पर सफलता पास आकर लौट जाती है देवी। क्षमा करे परमपिता, हम भगवान विष्णु पर कोई दोषारोपण नहीं कर रहे हैं, परंतु इतना अवश्य कहेंगे कि यदि भगवान विष्णु चाहें तो वे अपने परम भक्त प्रहलाद द्वारा बलि पर प्रभाव डालकर ये अश्वमेघ यज्ञ रुकवा सकते हैं। यज्ञ रोकने का प्रयास महापाप होता है देवी अदिति। भक्त प्रहलाद ऐसा कदापि नहीं करेंगे। हम पुनः कहते हैं, भगवान भोलेनाथ के निर्देश का पालन भगवान विष्णु अवश्य करेंगे। कब, कैसे? बलि का समा अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हो जाने के पश्चात? भय के कारण इंद्र का विवेक अस्थिर हो रहा है परमपिता। देवराज इंद्र व्यर्थ ही भयभीत हो रहे हैं। भगवान विष्णु
इन्हें इस संकट से अवश्य निकालेंगे। भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का कोई उपाय बताइए परमपिता। अपने पुत्र के हित के लिए मैं उनकी शरण में जाऊंगी, उनसे प्रार्थना करूंगी। देवी अदिति, पुत्र मोह से आप विक्षिप्त न हो। क्षीर सागर के अमृत तीर्थ पर जाकर सच्चे मन से भगवान विष्णु की आराधना करो। तुम्हारी तपस्या से उत्पन्न शक्ति बलि के यज्ञों से भी अधिक प्रभावशाली होगी। तुम्हारे प्रिय पुत्र इंद्र का यह संकट अवश्य दूर होगा। जो आज्ञा परमपिता, मुझे और मेरे पुत्र को आशीर्वाद दीजिए। मेरा आशीर्वाद है तुम्हारी और तुम्हारे पुत्र की मनोकामना पूर्ण हो। शंकर महाकाल वैद्यनाथ जय केदारेश्वर रामेश्वर सोमनाथ जय भीमा शंकर महाकाल वैद्यनाथ जय केदारेश्वर। नाथों के नाथ की भोले विश्वनाथ की महिमा का गा शिवाय।